थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए अभी जो मैं मेरे शब्दों पर ध्यान बिल्कुल ना दे, है ना, बस। हाँ जी हाँ, न्यूरॉन वाला क्वेश्चन आया था। देखिए अभी देखिए साइंस का क्वेश्चन बाद में, ठीक है ना। और बस मैं उत्साहित हूँ ये कि हमने जो प्रॉमिस किया था, हमने जितना पढ़ाया था वो सभी आया है। आप विश्वास कीजिए, बस आपने हमारे वीडियोस को हल्के में लिया, इसीलिए आज आप कह रहे हैं। और कट ऑफ तो अब किसी भी उपाय नहीं है आपका, है ना। कट ऑफ तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और आप बाद में बीपीएससी को कोसेंगे एकदम 80 से 90, एकदम लिख लीजिए। मैं ये कहता हूं आफ्टर ऑल की ओवरऑल रात भर एनालिसिस करने के बाद 80 से 90 कट ऑफ जाएगा। क्या कहते हैं आप, 80 से 90 कट ऑफ जाएगा? ये अगर 80 से 90 यानी ये जनरल की बात मैं कर रहा हूं, 80 जाएगा फिक्स है कि 80 जाएगा। अगर और हो तो इससे बढ़ सकता है कट ऑफ, लेकिन 80 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। क्या कहते हैं आप इस बात पे, जल्दी से बताइएगा, क्या कहते हैं आप इस बात पे? देखिए हमने अपना लाइफ इसी में बर्बाद किया है ना, एनालिसिस करने में, ये करने में, नोट्स बनाने में, फेयर करने में, लेकिन याद करने में नहीं। इसीलिए आज हम इस पोजीशन पे रह गए। लेकिन हम बहुत ही बड़ा एनालिसिस करने वाले, आपको अगर नोट्स जो हम दिए हैं, आपको भरोसा होगा कि राज सर ने उस नोट्स को बनाया है ना। राज सर दिन रात उसमें एनालिसिस करते रहता था, सुबह जो बैठते थे आपके 6 बजे रात तक, उस पर हम एक्सपर्टीज लगाते रहते थे। राठौर सर ने जितना टास्क दिया उसमें किस जगह कौन सा कलर यूज करके उसको बुलेट बनाना है, कहाँ पे स्टार लगाना है, कौन सा टॉपिक कहाँ पे छांट देना है, ये सारे काम हम और राठौर सर दोनों मिलकर बेहतरीन तरीके से करते थे। साइंस के लिए बहुत ही शिद्दत से जब नोट्स बनाकर वन लाइनर लाते थे तो आप लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन ये सभी आपसे शिकायत है हमारा, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि बहुत क्वेश्चन टफ था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 80 रहेगा जनरल सर, 75 का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग शिक्षा शास्त्र, क्योंकि हमने जो 699 का ये कोर्स लॉन्च किया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शास्त्र की बात थी, और यही हमारा डरावना था। क्योंकि साइंस में सभी जानते हैं कि साइंस में सभी जानते हैं, आर्ट्स में सभी जानते हैं कुछ ना कुछ। शिक्षा शास्त्र का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस था कि वो पॉसिबल नहीं था आप लोगों से अपने से हो पाता। और हमने जो सार्थक प्रयास किया, 50 में से 40 प्लस क्वेश्चंस आया है, इसका सबूत मैं दूंगा जब हमारे राठौर सर हमारे इंस्टीट्यूट तक आ जाएंगे। अभी राठौर सर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था शुरू में उनको खांसी की प्रॉब्लम हो गई थी, बाद में उनका टॉन्सिल प्रॉब्लम हुआ था, और बाद में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे सर, फिर भी आप लोगों का क्लास लेते थे। फिर भी आप लोग हमारे उस भावनाओं को, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो एकदम रौंद देते हैं, कभी कभी एकदम व्यथित हो जाते हैं हम लोग, तो ये उम्मीद नहीं है आप लोगों से। और आप लोगों का एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं गया तो क्योंकि आपने टाइम पर हमारे हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। तो चलिए ये है हमारा, याद रखिएगा कि ये सेट जो है ना, सेट नंबर 20 से मिलेगा। जी हाँ, सेट नंबर 20 से मिलेगा, ये सेट नंबर 20 है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सबूत के तौर पर भी, आपको मैं दिखा देना चाहूंगा कि ये हमारा सेट नंबर 20 है, ठीक है। ये हमारा सेट नंबर 20 है, थोड़ा सा ये प्रीवियस पेपर का पीडीएफ होता है, इसीलिए इसको लेने में दिक्कत होता है स्क्रीन पे। कैसे होगा? हाँ ठीक है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेट नंबर 20, देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेट नंबर 20, देखिए यहां लिखा हुआ है ना 20, है ना, और यहां पे कोड भी लिखा हुआ है, कोड है 5205076। ये कोड नंबर है, आपको अगर ये सेट है तो आप अच्छे से
मिल जाएगा, अदरवाइज आपको मैं सारे सेट का आंसर जरूर दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, शिल्प आधारित शिक्षा का संप्रत्यय किस चिंतन से संबंधित है। देखिए, हमने जो आप लोगों को पढ़ाया था, यानी हमारे सर ने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कराया था, आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने M.K. गांधी के टॉपिक को पढ़ाया था, तो ये हमारे नोट से ही है। आपका आंसर होगा शिल्प आधारित शिक्षा संप्रत्यय की बात अगर हो तो ये आपका M.K. गांधी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, जॉन डीबी है ना, ये है हमारा लेबोरेटरी स्कूल। ये लेबोरेटरी स्कूल जॉन डीबी वाले टॉपिक में था, और ये कहाँ था, ये न्यूयॉर्क में था। जब मैं आप लोगों को जन्म से रिलेटेड ईस्वी को लिख कर आपको बताते थे तो आपको लगता था कि ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ईस्वी से पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन ईस्वी से पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए, हम उसको स्लाइड ऊपर करेंगे, लेकिन देखिए यहां 3H शिक्षा पर बल दिया गया है। इसका आंसर हमारे राठौर सर ने ही थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट करके वहां से भेजे हैं, और हमने इसको अरेंज किया है। हमने भी थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाया है, हो सकता है कि इसका आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। इसके बाद जैसे ही सर आएंगे, हम लोग स्क्रीनशॉट के साथ आपको सबूत के साथ स्क्रीनशॉट लगाएंगे यहाँ पे, और आपको कन्फर्म करेंगे, जिससे कि आप चैलेंज भी कर सकते हैं अपने आंसर पर। ठीक है, तो अपने आंसर पर आप चैलेंज कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको सबूत के साथ भी दिखाऊंगा। अगला है हमारा 3H शिक्षा पर बल। जी हाँ, 3H शिक्षा पर बल, जॉन डीबी इसका आंसर होगा। किसी विषय के उपलब्धि, ध्यान देना है, किसी विषय के उपलब्धि में प्राप्त अंक को किस मापन स्केल, ये देखिए मापन वाला टॉपिक पे बेहतरीन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया रहा गया था, और उसी से हमारा आंसर है। ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। तो बेहतरीन हमारा कोर्स रहा, इसकी उपलब्धि को मैं बता नहीं सकता हूँ, एकदम बहुत ही हम खुश हैं, और आप ये चहलकदमी जो देख रहे हैं ये खुशी का ही है। ये ऊपर कैसे जाएगा जी, ये इसमें हमको आता ही नहीं है, चेंज भाग गया। कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए रहिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है इसका, कोई उपाय है रे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बड़ा ही नौटंकी है इसमें। ये हो गया हमारा न्यूयॉर्क। 3 नंबर देखिए, देखिए कह रहा कि प्राथमिक समूह की बात है, क्या है, प्राथमिक समूह की बात है, ध्यान दीजिएगा। ये प्राथमिक समूह की बात करे तो याद होगा आपको क्लब, ये पढ़ाया गया है कि कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण है, तो परिवार नहीं होगा, क्लब होगा इसका आंसर। ठीक है ना, आप इसमें कंफ्यूज किए होंगे और हमें भी इस पे कंफ्यूजन है, इसीलिए क्या किया जाए, इसीलिए आपको याद रखना है यहाँ पे क्लब होगा, इसको स्टार लगा लीजिए, इसमें डाउट है, इसको देखा जाएगा। कह रहा कि भाषा उत्पादन कौशल कौन है, याद रखना है भाषा उत्पादन कौशल, याद रखिएगा, ये पढ़ाया गया है बोलना और लिखना, क्या है भाषा उत्पादन, बोलना और लिखना। चलिए, कौन सा मूल्यांकन रणनीतियों के स्केल में, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मूल्यांकन रणनीतियों के स्केल में दिशा निर्देशों को बहुआयामी सेट का उपयोग किस जिससे विद्यार्थी कार्य मूल्यांकन करता है, ये आपको पढ़ाया गया है हमारे नोट्स में, रूब्रिक्स इसका आंसर होगा। अगला है हमारा अंतर विषय क्या क्या अर्थ है, तो जी हाँ, अंतर विषय का अर्थ है एक ही विषय में संकीर्ण क्षेत्र से केंद्रित होना, ये आपका आंसर है। ओके, तो आप आंसर मिलाते चलेंगे और आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा,
देखिए कह रहा है कि शिल्प आधारित शिक्षा का संप्रत्यय किस चिंतन से संबंधित है। शिल्प आधारित जब बात किया जाए तो याद रखिएगा ये हमारे नोट से क्वेश्चन है, एम के गांधी दैट मीन्स महात्मा, क्या है एम के गांधी महात्मा मतलब महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपके सिलेबस में था। नेक्स्ट ये हो गया हमारा, ये थोड़ा सिस्टम जल्दीबाजी में ये क्वेश्चन को दिखाने का ना यही तरीका अभी हम लोगों के पास है और इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। अच्छा हाथ रोकना पड़ता है। क्या इधर होगा क्या? अच्छा छोटे में पढ़ाना होगा। रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए देखिए 103 नंबर आंसर देखिएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया है कि क्या करना है। देखिए 103 नंबर में है हमारा प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह में क्लब लगाना है लेकिन इसमें आंसर पे डाउट है, आपको इस पे यहाँ स्टार लगा लेना है। भाषा उत्पादक कौशल की बात किया जाए 104 नंबर का, भाषा उत्पादक कौशल में आपको बी नंबर आंसर सही लगाना है, बी नंबर आंसर सही लगाना है। देखिए इनमें से समूह रणनीतियां की बात की गई है, इनमें समूह रणनीतियों में क्या है, ये स्कॉलिंग दिशा निर्देश के बहुआयामी सेट का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों का कार्य मूल्यांकन करने की बात हो तो आपको ये पढ़ाया गया है, ये हमारे नोट्स से है, बिल्कुल ये नोट्स से छपा हुआ है। अंतर विषयक का क्या अर्थ है, तो एक विषय के संकीर्ण क्षेत्र पर केंद्रित रहना, एक विषय के संकीर्ण क्षेत्र पर केंद्रित रहना ये विषयक का अर्थ है। ओके आगे बढ़ जाइएगा, देखिए आंसर हट जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है मैं वक्त दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का। चलिए ये है हमारा ईमेल, क्या है हमारा ईमेल के लेखक कौन है, तो जॉन डीबी है ईमेल के लेखक। शोध में जनसंख्या के लिए निष्कर्ष निकालने हेतु किस प्रकार की सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है ये हमारा सामान्य सांख्यिकी का। चलिए अगला है हमारा एकादश व्रत, ध्यान देना है एकादश व्रत का संप्रत्यय किस चिंतक से लिया गया है, यानी किस चिंतक से संबंधित है, तो आपको याद रखना है श्री अरविंदो, क्या याद रखना है श्री अरविंदो, आपने ये आंसर टिक किया होगा। अगला है हमारा एक समयावधि में, जी हाँ एक समयावधि में अधिगम विवरण रुचियों प्रगति को दर्शाने वाले व्यवस्थित रिकॉर्ड किस शब्दावली द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं, आपका इसमें आंसर होगा हमारा एनिकडोटल रिकॉर्ड, याद रखिएगा एनिकडोटल रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपको वेरीफाई वाला आंसर जरूर मिलेगा वो भी सबूत के साथ, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा अगला, एक अध्यापक विद्यार्थियों के लिए एक नया पाठ प्रारंभ है तब प्रारंभ करते हेतु मूलतः किस विचार
यानी किस पर आपको विचार करना चाहिए। यानी कह रहा है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों के लिए एक नया पाठ प्रारंभ करता है, जब वह पाठ प्रारंभ करने हेतु मूलतः किस पर विचार करना चाहिए, तो याद रखना है विद्यार्थी के पूर्व अनुभव पे। ये हमारे नोट्स का छपा हुआ लाइन है। आप क्या बात करते हैं सर? देखिए, किसके अनुसार वस्तुएं वास्तविक होती है? देखिए, ये तीनों कई बार पढ़ाया गया है, ये यथार्थवादी होगा इसका आंसर, है ना। बस आपके रिवीजन में कमी रह गया, इसीलिए आप घबरा रहे हैं। ये बात एकदम मानने वाला है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। अध्ययन के क्रम में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करना निदानात्मक कहलाता है। शिविरों का योजना किसकी शैक्षणिक विधि है? तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का है, याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि इसको जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं ये मिट जा रहा है, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा दिवा स्वप्न। बोलिए, कई बार ये पढ़ाया गया है कि गीजुबाई बधेका का है दिवा स्वप्न। समान स्कूल प्रणाली संप्रत्यय किस आयोग के द्वारा दिया गया है? तो हमारे सिलेबस में एक ही आयोग था, वो था कोठारी आयोग, जिसका ईस्वी आपको अगर याद रहता तो इस क्वेश्चन को कई हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये गलत कर दिया गया होगा। शिक्षा आयोग 1964, यही है हमारा कोठारी आयोग, ये पढ़ाया गया था। किस मापन स्केल के प्रेक्षणों को जोड़ा नहीं जा सकता है? तो नामिक और क्रम सूचक, याद रखिएगा। सत्य एक पथहीन भूमि है, सत्य एक पथहीन भूमि है, इसमें हम लोगों का आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या आंसर होगा? एक रविंद्रनाथ टैगोर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको अब नेक्स्ट करने जा रहा हूं। चलिए, कौन सा उद्दीपन, ध्यान रखना है, कौन सा उद्दीपक परिवर्तन कौशल के घटक है ये बताना है। कौन सा उद्दीपक परिवर्तन के घटक का उदाहरण है? तो परवलन इसका आंसर होगा। किसने कहा था मन की एकाग्रता ही शिक्षा है? मन की एकाग्रता ही शिक्षा है, ये किसके द्वारा बताया गया है? एम के गांधी के द्वारा। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रूसो नहीं होगा, इसका आंसर प्लेटो होगा, ध्यान रखना है। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्ययन कौन थे? तो यही 1964-66 के अध्यक्ष थे हमारा डॉक्टर डीएस कोठारी। जी हां, डीएस कोठारी इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग फिर आ चुके हैं 125 नंबर से आगे। कह रहा है कि कौन सा आधिकारिक यानी सत्तावादी स्तर का शिक्षण है? सत्तावादी जो शिक्षण है वह शिक्षक केंद्रित है, ध्यान रखना है। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, ये देखिए संप्रत्यय संप्राप्ति और प्रतिमान का बात किसने दिया था? तो रॉबर्ट ग्रेजर ने दिया था। अगला है हमारा आदर्शवाद की उत्पत्ति किस आधारित है? तो याद रखिएगा, ये इथिक्स पर आधारित है, बी नंबर 127 का हो जाएगा। इनसाइक्लोपीडिया शोध में किस प्रकार का स्रोत है? इनसाइक्लोपीडिया में कुछ क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा रहेंगे ही रहेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 130 का हो जाएगा हमारा तृतीयक क्षेत्र, जी हाँ तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। एक पाठ योजना, देखिए ये हमने ही नोट्स बनाया था, हमारे नोट्स से ही ये है, और ये है हेतु सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कई संप्रत्यय, कई संप्रत्यय, ये हमारा आंसर सही है, बी नंबर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, क्योंकि ये फिर ऊपर करेंगे तो ये मिट जाएगा। चलिए, आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं 127 से। देखिएगा, ये कई बार हमारे क्वेश्चंस में आए थे, डिसलेक्सिया युक्त अधिग्रहण अधिगमकर्ता सहयोग के लिए एक शिक्षक की भूमिका पूछा गया है। तो अधिगमकर्ता को रीडिंग विशेषज्ञ को, याद रखना है इसका आंसर। आर एन टाइगर का जन्म वर्ष पूछ दिया है, ये भी आप लोगों को फ्लावर लगता था जब बोला जाता था कि आप इसका जन्म दिवस याद रख लीजिएगा, आपको लगता था कि नोट्स में कुछ भी नहीं है, हलवा है,
है ना। लेकिन याद रखिए ये सब भी क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं तो कहूँगा कि एकदम आसान क्वेश्चन है सर, क्योंकि आपको पता होगा कि बीएड के कोर्स को करने के बाद आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ विकसित हो गया होगा और आपको ये हल्का लगना चाहिए सर, है ना। आप हमारे बातों से अगर सहमत है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपने इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 235-40 का पेज जो हमने दिया था, 235-240 का जो पेज जिसका दाम था हमारा कितना 550 रुपया, इस नोट्स को आपने अच्छे से रीड नहीं किए, एकदम अफसोस हो रहा है हमको। इसीलिए थोड़ा सा हम क्या हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में आप लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का कष्ट है कि आप लोगों को 3 महीने से ज़्यादा सर हम लोगों ने आप लोगों को टाइम दिया, और आप कहते हैं कि हार्ड क्वेश्चन आ गया, तो ये तो दुख की बात है कि हार्ड क्वेश्चन आ गया। सर अगर आप ऑप्शन को भी छांटते हमारे नोट्स को पढ़ने के बाद तो आपका आंसर सारा सही होता, क्या ही मैं बोलूं। आप हमारे बातों से सहमत होइए सर कि ये अगर आप पढ़ाई बढ़िया से करते तो आप सारे क्वेश्चन को सही करते। अगर हमारे बातों से आप सहमत हैं तो एक बार आप ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए ये श्यामपट के बारे में यहाँ पे है, श्यामपट पर विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों को लिखना किस प्रकार का प्रबलन है। तो याद रखिएगा जब यहाँ पे क्या दिया है, उत्तरों को लिख रहे हैं तो उत्तर का हम लोग शब्दों में आंसर देते हैं, तो यह क्या हो गया हमारा, एक पॉजिटिव है, शाब्दिक प्रबलन है, ध्यान रखना था आप लोगों को। सामान्य नामकरण करना, जी हाँ सामान्य नामकरण करना किससे संबंधित है, तो नॉमिनल, किससे, नॉमिनल है आंसर। मैं टिक कर दे रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ 128 से लेकर ये 4 आंसर सही है, आप आंसर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, अब हो गया 133 और ये हो गया हमारा 134 नंबर से यहाँ पर हमारा आंसर है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक विधियों के चयन में विशेषता प्रकृतिवादी का बात किया गया है, तो ये एकदम स्पष्ट रूप से हमारे नोट्स में लिखा हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह एक प्रकृतिवादी कवि थे और ये दार्शनिक थे। अगला है हमारा, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको हमने बताया नहीं होगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है हमारा, 76 नंबर आपको याद रखना है। ये हो सकता है कि हो भी, क्योंकि मैंने शिक्षा शास्त्र आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, सर ने ये अनुच्छेद वाली बातें आपको अच्छे से समझाया था, हो सकता है कि उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर होगा। मूल्यांकन का मूल आधार क्या है, तो मापन ही मूल्यांकन का मूल आधार है। बुनियादी शिक्षा के बारे में कितनी बार चर्चा की गई, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दिया है, तो ये बात आप सभी जानते हैं, M.K. गांधी, आपको याद रखना है। बिल्कुल हाँ सही, एकदम सही बोल रहे हैं, आपके नोट्स में है रूसो के बारे में, एकदम सही बात है। किस वर्ष मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो ये आपका आंसर होगा 2002, यानी बी नंबर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पाउज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए सर, है ना, फिर इसका स्लाइड बना के आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आंसर दिया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, जिससे कि आप चैलेंज भी कर पाएंगे, ये बातें याद रखना है। बुनियादी शिक्षा का क्या हो गया हमारा, हमारा हो गया M.K. गांधी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विधि क्या है प्रयोजनवाद पर आधारित है, तो संवाद विधि जो है ना वो प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रश्न करना एक कौशल है, जी हाँ प्रश्न करना एक कौशल है, किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रश्न की भाषा, इसकी गति प्रकार है ना, और इसके प्रसार के उपयोग को संकेत करने हेतु किस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आपको पढ़ाया गया है मापन वाला में, स्किल इसका आंसर होगा।
ये देखिए हमारा रॉबर्ट ग्रेजर, ध्यान रखिएगा शिक्षण का कौन सा प्रतिमान उन्होंने दिया है, तो यही है हमारा बेसिक टीचिंग मॉडल। जी हाँ, बेसिक टीचिंग मॉडल आपको याद रखना है, सर्वांग योग दर्शन चिंतन। सर्वांग योग दर्शन चिंतन किसके द्वारा दिया गया है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये दिया गया है, ध्यान देना है। अगला है हमारा, नोट कर लीजिएगा ये, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छूटा, ये भी हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन वैज्ञानिक विधि है? तो प्रयोजनवाद को ही वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ स्टार, जी हाँ, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ स्टार इन द ईस्ट के नामक संगठन का प्रमुख कौन था? तो गीजू भाई बधे का इसका आंसर हो जाएगा, गीजू भाई इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको याद होगा नव्य वेदांत की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ वेदांत है, वेद मतलब क्या हो जाता है हमारा? स्वामी विवेकानंद आंसर हो जाता है। प्रवेश परीक्षा के समय विद्यार्थी के प्रवेश व्यवहार जांचने हेतु किस मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा चयनात्मक, जी हाँ आपका हो जाएगा चयनात्मक। और हमारा आगे है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ध्यान देना है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक कौन क्या है, ये पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यही है हमारा कोठारी आयोग से क्वेश्चन। कोठारी आयोग का हमने 65 पेज में आप लोगों को बेहतरीन नोट प्रदान किया, लेकिन आप लोग उसको, हमको नहीं लगता अच्छे से आप पढ़े होंगे सर। विद्यार्थी को उत्तर देने में सहयोग हेतु सुझाव या संकेत बताने को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको संकेतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको संकेतन कहा जाता है, याद रखिएगा। शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में से कौन विश्वास करता है? तो याद रखिएगा, जो यथार्थवादी रहते हैं वह विश्वास करते हैं। और 150 नंबर सेट बी का आंसर है, सेट बी का आंसर है मिश्रित। याद होगा मापन की प्रकृति कैसा होता है? तो मिश्रित होता है, याद रखिएगा। आर एन टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था, ठीक है, आप इसको गूगल कर लीजिएगा प्लीज, 1861 में हुआ था या फिर क्या, आप इसको एक बार गूगल कर लीजिए और गूगल में देख लीजिएगा। विकिपीडिया सब पे दिया हुआ आंसर बिल्कुल सही होता है, इसीलिए आप उसको देख लीजिएगा, है ना। बहुत सारा हमें भी इसमें वेरिएशन लग रहा है, क्योंकि अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा ही अलग अलग, क्योंकि ये शिक्षा शास्त्र है, इसका लैंग्वेज होता है, इसकी भाषा होती है, इसका कोई सटीक लाइन नहीं होता है, साइंस के जैसा कोई डेफिनेशन सटीक नहीं होता है, इसीलिए इस पे चैलेंज करना मुश्किल है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा, मैं वो सोर्स जो आपका ऑथेंटिक है, कोई भी बुक हो, किसी भी अच्छे अच्छे राइटर के बुक से और एनसीईआरटी बेसिस पे इग्नू के नोट्स से हम जरूर इसको एनालिसिस करेंगे, और आपको चैलेंज करने के डेट से पहले हम आपको सोर्स बताएंगे, पेज नंबर बताएंगे, और आपको बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं, बस आंसर की आने दीजिए। तो आपको हमारे लफ्जों से अगर दुख पहुंचा होगा आपको, तो मैं इसके लिए क्षमा मांगूंगा, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपका क्या हुआ, पढ़ाया हुआ हो गया टाए टाए फीस, ये लफ्ज हमें पसंद नहीं आया, इसीलिए हमें तकलीफ हुआ इस बात का। आप देखिए ना नोट्स, आपको सबूत जब देंगे तो आपको हारना पड़ेगा हमारे पास। यही नहीं, सरवन सर के द्वारा पढ़ाया हुआ अंतिम क्लास से लगभग 7 क्वेश्चन आया है, रिवीजन जो हमारा 12 घंटे का था, आप लोग 12 घंटे के क्लास में भी अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किए। मेरा साइंस पढ़ाया हुआ जो केमिस्ट्री से रिश्ता, उससे लगभग क्वेश्चन आया है, फिजिक्स का जो भी हमने ट्रिक बताया उससे क्वेश्चन आया है। तो प्लीज़ आप ये तो ना कहें कि आपका टाइम टाइम फीस हो गया, इसीलिए आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बहुत ही परिष्कृत नोट्स दिया था, और हमारे नोट्स से 40 क्वेश्चंस पैडागोजी से आया है। अभी मैं
कुछ देर के बाद आप लोगों का एक साइंस और एसएसटी वाले सर एसएसटी का आपको एनालिसिस देंगे और इसमें हम सबूत को भी लगाएंगे कि हमने क्या पढ़ाया था। तो शाम में हम लोग जुटेंगे, आपको मैं टाइम बता दे रहा हूँ, हम लोग शाम में 8 बजे जुटेंगे। कोई दिक्कत है? 8 बजे जुड़ेंगे, आपसे हम बातें भी करेंगे और हम सबूत भी दिखाएंगे कि हमारे नोट से ही 80 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया है सर 80। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने जो भी स्पष्ट रूप से एनालिसिस किया है तो ये 80 क्वेश्चन तो हम जान रहे हैं कि इतना, क्योंकि ये कट ऑफ हम निर्धारित किए हैं और ये एकदम वही नोट से आया है जो बहुत आसान था। बाकी हम 80 कट ऑफ हमने कहा है, अगर सर आते हैं तो जो भी कहेंगे वही मान्य होगा, ये तो अंदाज की बातें हैं, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो 8 बजे के लिए अगर आप सहमत हैं तो आप हरी झंडी दिखाइए, 8 बजे हम लोग लाइव क्लास में जुटेंगे। 8 बजे हम लोग, बहुत आंसर गलत बता रहे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मैम आप कि बहुत आंसर गलत है, इस पर आप हमें वक्त दीजिए, हम जरूर इस पर एनालिसिस करेंगे और आपको शुद्ध नोट्स देंगे। इसीलिए हमने रात में भी आप लोगों के साथ लाइव साझा नहीं किया और अभी भी मैं जैसे तैसे आप लोगों को आंसर बता रहा हूं क्योंकि हमने अभी इस पर पूरा एनालिसिस नहीं किया है। हमारे राठौर सब जब आएंगे, ज्वाइंट सेशन होगा 150 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ एनालिसिस करके आपको बताएंगे, उसके बाद आप उस आधार पर आप चैलेंज करेंगे अगर आंसर की आपका गलत आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा 3 से 4 बार आंसर को मॉडिफाई किया जाता है, इसीलिए इस पे चैलेंज करना अभी बिल्कुल गलत होगा। तो जी देखिए, जो भी हमारे दिए हुए वक्त का कुछ मोल चुकाना चाहते हैं तो आप बस कुछ नहीं कीजिए, 2 शब्द अच्छा बोलिए, 2 शब्द अच्छा बोलने से आप हमें मनोबल देंगे और मैं किसी भी कोर्स में और भी शिद्दत से लगूंगा और हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। चलिए विदा लेते हैं आज के इस सेशन से, बस मिलते हैं अगले।